दोस्तों बिग बॉस मेकर से अब तक हमारा एक बड़ा सवाल रहा है कि आप शमिता को इतना ज़्यादा क्यों फेवर करते हो, क्यों सलमान भाई शमिता शेट्टी को कुछ भी बात सुनाने से डरते हैं, क्या आखिरकार मेकर्स को अपने शो बंद होने का खतरा है, क्या शमिता शेट्टी अपनी बहन जो बॉलीवुड में रह चुकी शिल्पा शेट्टी उनके बिहाफ पे ज़्यादा एटीट्यूड दिखाती हैं या फिर उनके दम पर ही फूलती हैं। तो आओ यारों जरा कुछ जानने की कोशिश करते हैं इस वाली वीडियो में कि किस तरह से शमिता शेट्टी ने सलमान खान को एंड सुनील शेट्टी को जो इतने बड़े लेजेंड स्टार्स हैं उनकी डिसरिस्पेक्ट करी। चैनल पर नए हैं जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों कल जब वीकेंड के बाहर पर हमें टेलीकास्ट किया गया जहां पर सुनील शेट्टी अपने बेटे की मूवी को प्रमोट करने के लिए आए थे जो ऑलरेडी लॉकडाउन से शूट हुई भी है मगर अब उनकी पिक्चर रिलीज होने जा रही है, तो ऐसे में सुनील शेट्टी चाहते हैं कि मेरे बेटे की पिक्चर ज़्यादा बिजनेस करके दिखाए और मेरे बेटे को एक नया नाम मिले। अब मूवी के अंदर किरदार पसंद आएगा तो वो एक बात अलग है, फैन सपोर्ट करेंगे, नहीं तो नहीं, दैट्स ऑल, है ना। तो कुल मिलाकर बात ये है शमिता शेट्टी ने यहाँ पर जब सुनील शेट्टी इतना बड़ा लेजेंड शख्स और दूसरा सलमान खान इतना बड़ा लेजेंड शख्स, वो दोनों ही लेजेंड एक स्टेज पर खड़े हुए हैं, जब अंदर घर वालों से बात करते हैं शमिता शेट्टी से अगर कुछ बात पूछी जाती है तो शमिता सबसे पहले सलमान खान को क्या रिप्लाई करती हैं, ना सर ना भाई कुछ नहीं, सलमान मैं ये बात कर रही हूँ, सलमान मैं तुमसे वो कह रही हूँ। हाँ, और जब बात आती है सुनील शेट्टी की तो हाँ ठीक है मैं एग्री हूँ, सुनील जैसा आपने कहा, सुनील आप ये कर रहे हो, सुनील ठीक है मैं आपकी बात से एग्री हूँ, क्या यही तुम्हारी इज्जत रह गई है, क्या यही तुम्हारे संस्कार रह गए? ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ दोस्तों, कभी आप मुझे बोलें कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, जनता कह रही है बाहर और सारी जनता का जो रिएक्शन है वो आपके सामने शेयर किया जा रहा है ताकि आपको भी ये सब पता चल सके कि सोशल मीडिया पर आखिरकार क्या क्या चल रहा है। शमिता शेट्टी की कितनी ज़्यादा डिसरेस्पेक्ट के लिए इंसल्ट की जा रही है, ट्रोल किया जा रहा है। एक फैक्ट और मैं आपको बता देना चाहूँगा, जैसा कि आप जानते होंगे कि सलमान खान की 55 साल की उम्र है, तो दूसरी तरफ अन्ना यानी कि हमारे सुनील शेट्टी जिनकी उम्र 60 साल की है सलमान खान से भी 5 साल बड़े हैं, तो एक शख्स 55 का दूसरा शख्स 60 साल का, है ना। और इधर शमिता मैडम की एज कितनी है, सिर्फ 42, अगर सलमान खान के कंपैरिजन में देखा जाए तो 13 साल बड़े हैं सलमान भाई शमिता से, और अगर अन्ना के कंपैरिजन में देखा जाए तो हमारे अन्ना 18 साल बड़े हैं शमिता शेट्टी से, मगर फिर भी इतनी ज्यादा डिसरिस्पेक्ट इस तरह से नाम लेकर बोलना, क्या ये सही है नेशनल टेलीविजन पर हैं? अरे आप इंडस्ट्री में कुछ भी नहीं हो, आपकी बहन है जो भी है शिल्पा शेट्टी, आप शमिता शेट्टी। चलिए बात करते हैं डेब्यू की। 1988 में सलमान भाई ने अपने आप को डेब्यू किया यानी कि उन्होंने कदम रखा 1988 में इंडस्ट्री के अंदर, तो वहीं दूसरी तरफ अन्ना की अगर बात की जाए तो उन्होंने 1992 में कदम रखा, और आपने कहाँ कदम रखा, 2000 में आके, वो भी एक छोटा सा शो, और आप इतना ज़्यादा फुदक रहे हो, और यहाँ तक कि मेकर्स कुछ नहीं कह रहा है, सलमान भाई कुछ नहीं कह रहा है, सुनील शेट्टी चलो वो तो गेस्ट बन के आए थे प्रमोट करने आए थे, मगर सलमान भाई को तो इस बात के ऊपर एक्शन उठा लेना चाहिए। अब अगर कोई सामने वाला इंसान हमारी डिसरिस्पेक्ट करे तो यहाँ हम भी नहीं कह सकते कि भाई मेरी रिस्पेक्ट है ना, रिस्पेक्ट अगर सामने वाले से करवानी हो कह के तो नहीं करवाते ना, वो तो बिन का ही करनी पड़ती है। तो कुल मिलाकर ये बात है शमिता शेट्टी को ना समझाया जा रहा ना उनकी बहन शिल्पा शेट्टी आ रही उनको समझाने के लिए कि आखिरकार तू किससे किस तरह से बात कर रही है और तू घर वालों के प्रति अपना बिहेवियर क्या पेश कर रही है, इतना एटीट्यूड, इतना ओवर एटीट्यूड, एक होता है एटीट्यूड दिखाना, एक होता है ओवर एटीट्यूड दिखाना। कल उमर रियाज से जिस तरीके से बकवास कर रही थी शमिता शेट्टी, जिस तरह से उमर रियाज से बोल रही थी चैचे पैपे ऐसे हाथ हिलाकर अपना एटीट्यूड दिखा के, मुझे बात नहीं करनी, मुझे ये नहीं करना, तो भाई कौन सी तुर्रम खाए तू हैं, सब यू चुटकियों में फिसल जाता है। ऑडियंस अगर सपोर्ट ना करे, ऑडियंस अगर शो ना देखे ना, तो घर से बाहर उठाकर फेंक दी जाए। यहाँ मैं नहीं कह रहा, कभी आप समझो कि मैं शमिता शेट्टी के ज़्यादा अगेंस्ट जा रहा हूँ, ये मैं ऑडियंस के रिएक्शन के ऊपर अगेंस्ट जाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि जिस तरह से शमिता शेट्टी के अगेंस्ट सारी चीज़ें सामने आ रही हैं, मेरी बात से अगर सहमत हो ना तो लाइक दिखा देना नीचे कमेंट में, मुझे बता देना भाई सहमत नहीं हो, मैं इतना ही कहना चाहूँगा, डिसलाइक मार के बस
दिखा देना अपनी असहमति। बाकी चैनल पर नए हैं, अगर मेरी बात से अच्छा लगा, सहमत हैं तो चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जितनी सारी अपडेट्स हैं, क्योंकि मेरा काम होता है हमेशा खुली किताब की तरह, मैं किसी की तरह बायस नहीं हूँ, मैं किसी के फेवर में बोलता, जो सही जो गलत है वही दिखता है और वही आपके सामने शेयर किया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।